हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। यार अभी हम लोग हैं कलाम में एंड यहाँ से निकल रहे हैं लाहौर के लिए। नाश्ता कर लिया है, एकदम चकाचक था, ख़ास तौर पे जो अचारी चले थे दिल जीत लिया उन्होंने। एवरीथिंग इज टेस्टी। सो अभी थोड़ी देर में पैकिंग चेकिंग चल रही है, चेकआउट हो रहा है, अभी निकल रहे हैं कलाम से लाहौर के लिए एंड बीच में एक छोटा सा सरप्राइज देंगे। हम लोग जाएंगे मलाम जब्बा से होके, मालम जब्बा या मलाम जब्बा कुछ इस किस्म का नाम है, हम लोग वहाँ से होकर जाएंगे। बड़ा नाम सुना हुआ है उसका, वैसे तो सुना है कि सर्दियों में वहाँ पर स्केटिंग और ये वो बड़ा कुछ होता है, स्की और बला बला काफ़ी चीज़ें होती हैं। सो हमने कहा यहाँ तक आए हैं तो जाते हुए होते जाएं, एक्स्ट्रा में 6 से 8 घंटे पड़ेंगे, लेकिन स्टिल जब यहाँ तक आ गए तो वो तो रास्ते में आएगा ना, बस एक 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा ठुकेगा, बट लेट्स सी क्या होता है। सो सी यू गाइस। और ये है हमारे होटल एंड उसका बालकनी से व्यू, 6 का मॉर्निंग व्यू है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अगर आप लोग आएँ तो लाजमी इधर रूम लें, बड़ा अच्छा है कंफर्ट के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से। उससे पहले हम वहाँ पर भी रह चुके हैं, लेकिन खैर हर चीज़ की कॉस्ट होती है उसके लिहाज से। सो इसमें 3 बालकनी है, एक ये और 2 उधर हैं जो बिल्कुल पहाड़ पे हैं, और ये वो मेन ब्रिज है जहाँ से आप कलाम से एग्जिट लेते हैं और यहीं से आप कलाम में एंटर होते हैं। ये कलाम समझ लें, ये भी कलाम ही है लेकिन ये कलाम का एंड पॉइंट है। ये एक माल रोड है पूरी की पूरी, वहाँ से लेकर यहाँ तक सेम नारायण कगान वाला साहब है, लेकिन आप समझ लें कलाम को आप बड़ा नारायण कगान कह सकते हैं, बस यही है। मलम जब्बा उसका प्लान तो नहीं था हमारा, हमने डायरेक्ट कलाम से लाहौर के लिए ही निकलना था, लेकिन क्या है कि सर्टनली प्लान चेंज हुआ है। रात को बैठे हुए थे, सोचा कि जब यहाँ तक आए हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर करके जाते हैं, ये ना कुछ रह जाए। ये है हमारा मालम जब्बा का रोड एंड बहुत ही साफ़ सुथरा रोड है, तकरीबन 31 किलोमीटर है एंड वैसे तो 31 किलोमीटर अगर सीधी प्लेन रोड हो तो आधे घंटे से भी कम का सफ़र है, लेकिन ये रोड पूरे का पूरा आप लोग देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर बना हुआ ज़िगज़ैग है, सो इसलिए 1 घंटा लग जाता है। देखिए साफ शफाफ क्लियर रोड है, किसी किस्म की ट्रैफिक हेजिटेशन नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मलाम जब्बा पहुँच के चेक करते हैं, पता नहीं मलाम है या मालम जब्बा, समझ नहीं आई अभी तक, बस चल ही रहे हैं। माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत है रोड, आसमान ऊंचाई ऊंचाई है। इंशाल्लाह अगर दिन की रोशनी भी पहुँच गए, वैसे तो पहुँच ही नहीं गए, तो चेयरली ट्राई करके देखें। पहाड़ टू पहाड़ शिफ्ट हुए, साफ सुथरी रोड है मज़ेदार किस्म की एंड वो वाली पीक तो बिल्कुल मतलब बादल नीचे वे पीक जो है टच हो रही है, पुरसकून किस्म का ना रास्ता माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ ऑल अबाउट द रोड, वही सही बात है, सारी की सारी खूबसूरती ना रोड की वजह से है, तो इतना स्मूथनेस है ताकि आप आराम से ब्यूटी इन्जॉय कर सकें, ना कि आप सामने सड़क पर ध्यान दें, वो तो ऑफकोर्स आपको देना पड़ता है गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी मतलब पहाड़ टू पहाड़ आप ट्रैवल करते जा रहे हैं सो स्मूथली। सो फाइनली भाई बादलों को चीर के ऊपर आ गए, पूरा सुकून किस्म का सुकून है यहाँ पे, माहौल है, ये चेक करो, जाते हुए शायद ये नज़ारे नहीं मिलेंगे, अंधेरा हो जाएगा, कैसे पहाड़ तराश के खूबसूरत सी रोड निकाली हुई है यहाँ पे, तो पता नहीं बर्फ़ के टाइम पर क्या होता है साथ ही है, और इस साइड पे तो
देखो दरख्त ऊपर था, बादल नीचे था। जा रहे हैं फिलहाल, अभी भी कोई 5 किलोमीटर रह गया है मजीद। इतना सुकून मिलता है कि आप जिधर जा रहे हैं बादल बिल्कुल आपके हाथों तक आ जाए। बादल आते तो कहते हैं मज़ा ही आ जाता है। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है भाई भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बस नीचे करके ऊपर, बस नीचे उतर के ना बादलों को हाथ लगा ले एक दफा, व्यू है खूबसूरती। और अभी मजीद ऊपर है, दिस इज व्हाट यू कॉल ब्यूटी, इट्स अ व्यू माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी हमने मजीद ऊपर जाना है अली, बस पहुंच गए हम। चेक कर रहे हो व्यू भी, चेक कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ इधर लाजमी चक्कर मारो, साफ सुथरी रोड है, सिग्नल ही नहीं आ रहा, 3G आ रहा साला। ये जो पीछे छोड़ रहे थे वो देखो, ये क्या बात है वो, इधर देखो सन, इधर देख रोशनी सूरज की कंट्रोल, ये इस तस्वीर ये सूरज का व्यू चेक करें, मतलब सूरज बादलों में से निकलने की कोशिश कर रहा है। चेक कर रहे हो बादलों के अंदर है होटल की बात, कोई बादलों पे छुपा हुआ होटल। टॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर चेयर लिफ्ट चल रही है, एंड चेयर लिफ्ट चेक करें, मतलब बादलों से ऊपर लेकर जा रही है और आपको मुसलसल नीचे मुसलसल चल रही है। ये हम लोग एंटर हो चुके हैं रिजॉर्ट के अंदर, ठीक है, एंड अभी चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। इसकी जो टाइमिंग है वो 6 बजे की है, एंड अभी तो 7:15 हो गए हैं, बंद हो रही है। माशाल्लाह ग्लोरिया जींस भी है इधर, ये रहा एंड चेयर लिफ्ट पे जाने की हमें ज़्यादा जल्दी है, आगे से चेयर लिफ्ट का रास्ता है। ये मलाम जब्बा लिखा हुआ जगह चेक कर रहे हो, वो जो चेयर लिफ्ट जहाँ से हमने अभी गुजरना है ना, ये बादलों के अंदर से क्रॉस होके जाएगी ऊपर को, एंड ये जो रास्ता है ये ऊपर पीसी होटल को जाता है, पीसी होटल ऊपर है थोड़ा, एंड आई थिंक सो यही चेयर लिफ्ट है। चेयर लिफ्ट इधर है नीचे, ओके ओके। हम सो अभी चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से नीचे जाते साथ ही लेफ्ट पर है। हो रही हमारी चेयर लिफ्ट जिसके लिए हम यहाँ पर आए, लेट हो गए हैं, अचानक से प्लान बना था, नीचे काफ़ी कुछ है खाने के लिए पीने के लिए हर चीज़ ही है तकरीबन, बच्चों के झूले भी हैं, ग्लोरियन जिसने ऊपर से दिखा दिया था, नेस्कैफे बॉल्स हर चीज़ है। ये आ गया हमारा चेयर लिफ्ट पॉइंट, यहाँ पर बैठ के आप आराम से खाना खा सकते हैं। बाकी चेयर लिफ्ट में एंटर होकर दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू है ऊपर का, अभी ज़रा सीट बेल्ट वगैरह लगानी है तो यहाँ पे हम बंद करते हैं। चेयर लिफ्ट है, एंट्री हो गई हमारी यहाँ से, एंड अभी इस पर जाकर बैठते हैं। बट भी है एंड ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बहुत आराम से स्लोली स्लोली जा रही है। हाँ।
माशाल्लाह कितना पुरसकून किस्म का माहौल है, नीचे लोगों के घर तक है। एंड कितनी ऊंचाई पर लोग रहते हैं, मतलब के सुभान अल्लाह। मजा आ रहा है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे देख नहीं रहे क्योंकि डर लगता है नीचे देखो तो। पुरसकून माहौल है, मतलब आप पहाड़ की टॉप के ऊपर हैं, अलग ही लेवल का मजा है। सुभान अल्लाह। ये स्नो नहीं है, कुछ नहीं है, ये बादल हैं जिनको बाइक चीरता हुआ ऊपर तक जा रहा है। हाय हाय, बहुत स्लो, आराम आराम से जा रहा है, मतलब आपको किसी किस्म का डर या टेंशन नहीं होगी यहाँ से जाते हुए। सुकून है पता, बिल्कुल बादलों के अंदर से गुजरना। अल्लाह से व्यू, बहुत पुरसकून किस्म का माहौल है। इसी केबल में इतने से पीस के साथ लटका हुआ है, लेकिन कितने सुकून से लेकर जा रहा है। तकरीबन हम लोग एंड पर आ गए हैं, ये 15 मिनट जाने में लगते हैं और 15 मिनट आने में लगते हैं, तो समझ लें आधे घंटे की ये ड्राइव है। ये बिल्कुल पहाड़ की आपको पीक पे ले आएगा। फिलहाल तो बंद हो रहा था, उन्होंने हमें एक सेकंड नहीं खड़े होने देना, उन्होंने कहा कि दस्ती आप लोग यहाँ से निकलने की करें। तो से कितनी ऊपर आ चुके हैं चेक कर रहे हो, बादल नीचे रह गए हैं, पीछे पीछे देख के चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल यूज करो तो वो चक्कर फील नहीं होगे। ये थोड़ी टक टक भी कर रहे हैं अभी यहाँ पर जाके, लेकिन वो जिधर ब्रिज आते हैं कुछ, लेकिन हमें यकीन रखना चाहिए कि कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। अगर नीचे देखेंगे फील करेंगे कुछ होगा तो होगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा ना, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। व्यू चेक करो यार, व्यू, बातें करने का मकसद है कि व्यू देख सकें आप लोग, वगैरह कैफे चीज़ें खाने पीने की। एंड ये बिल्कुल हम लोग एंड पॉइंट पर आ गए हैं, एंड यहाँ पर चेयर लिफ्ट का अहतमाम है, हाइट है, ये पहाड़ का एंड है, सही है। और ये बादल वगैरह बहुत नीचे छोड़ आए हैं हम लोग, चेक कर रहे हो गए, तुम लोग को नज़र आ रहा है सब कुछ। चेयर लिफ्ट से सीधा अंदर को जा रहा है, एंड ये भी पहाड़ के ऊपर तक जाता है, इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह सारा कुछ है। माशाल्लाह से सनसेट है, तो खूबसूरती देखें आप लोग यहाँ पे, सनसेट हो रहा है, एंड बादल चेक करें, सुभान अल्लाह। This is so beautiful. देखें बादल, one of the awesome views. नीचे दिखा दूं, जंगल। ये व्यू देखो, so clean, so pretty. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मगरिब का टाइम हो चुका है, लेकिन हाय हाय जगह माशाल्लाह से इतना खूबसूरत व्यू है। हाइट से थोड़ा नीचे देखें तो आपके दिल को थोड़ा थोड़ा कुछ फील होगा, अगर नहीं देखेंगे तो नहीं होगा। वैसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्हें हाइट फोबिया होता है, एक होती है एक जनरल सी फीलिंग कि मैं गिर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन खुदा की कुदरत है यार, खुदा ने किस तरह से खल्क किया हर चीज़, माशाल्लाह इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वापसी हो रही है, नीचे अंधेरा हो चुका है, हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। आगे का व्यू दिखाता हूँ तुम लोग को, टाइम लाइट्स वगैरह लगी हुई है, फुल गुप अंधेरा है, सनसेट का टाइम है, मगरिब हो गई है, वो दरख्त नजर आ रहा है,
बिल्कुल वो पहाड़ के ऊपर का दरख्त है आखिरी, लाल सुर्खी है, कितना औसम व्यू है ये। नीचे वही जगमगाती दुनिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या कुछ है यहाँ पर? सब कुछ है, ये आइस स्केटिंग के लिए, ये साइकिलिंग के लिए, और ये ओके सही, और ये तो साइकिल्स के हेलमेट्स वगैरह चीज़ें हैं। तो ये बर्फबारी यहाँ पे नॉर्मली अमूमन कब तक शुरू होती है? नवंबर दिसंबर में। चलिए सही है, शुक्रिया, ख्याल रखें। क्रिस्पी चिकन बर्गर ग्लोरिया जीन्स का हो गया इन, कुछ तो फायदा हुआ ग्लोरिया जीन्स का। हमारा पास्ता एंड ये टैरागन चिकन। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। तो खुदा के फजल करम से हमारा सफर पूरा हो गया एंड मालम जब्बा से लाहौर पहुंचने वाले हैं। सो इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे, तो जितने दिनों से